इस फिल्म की शुरुआत में हमें सुगीन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे सभी लोग मनहूस मानते थे क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। वहीं जब वो 8 साल का था तो एक बीमारी के चलते उसके पिता भी चल बसे, जिसके बाद वो और उसका बीमार भाई दोनों अकेले पड़ गए। एक शाम घर जाते हुए उसकी नज़र एक चोर पर पड़ती है, जो कि एक लड़की का बैग लेकर भाग रहा होता है। सुकीन तुरंत ही उस लड़की की मदद करने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो उस चोर को नीचे गिराने के लिए मुक्का मारता है तो वो जाकर सीधा उस लड़की को लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जो देखकर चोर तो काफी खुश था, वहीं सुकीन डरकर वहां से भाग जाता है। थोड़ा आगे जाकर उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखते ही सुकीन को एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। तभी वो आदमी सुकीन को अपने पास बुलाकर उसे एक राज की बात बताता है, जो कि उसने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। असल में सुकीन उस आदमी का ही बिछड़ा हुआ बेटा था, जो काफ़ी समय पहले उससे अलग हो गया था। साथ ही वो आदमी उसे बताता है कि उसके पास कई रहस्यमय शक्तियाँ हैं, जिनमें से एक शक्ति अब वो अपने बेटे सुकीन को देना चाहता था। इसके बाद उस आदमी ने जादू की मदद से सुकीन को एक ताकत दे दी। वो आदमी बताता है कि ये ताकत समय के साथ बढ़ती जाएगी, पर सुकीन को इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम में ही करना होगा, जिसके थोड़ी देर बाद सुकीन वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो एक रोड पर पड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक रॉक स्टैम्प की नीलामी हो रही थी, पर तभी ओलिव नाम की एक औरत उस रॉक स्टैम्प को एक नकली स्टैम्प से बदल देती है और फिर उस असली स्टैम्प को एक किताब में रखकर टेबल के नीचे छुपा देती है। लेकिन उसके वापस आने से पहले ही वो किताब नीचे गिर जाती है, जिसे एक सफाई कर्मचारी उठाकर कूड़े में डाल देता है, जो किसी तरह एक दुकान पर पहुंच जाती है जो कि सुकीन के एक दोस्त की होती है, जहां सुकीन उससे वो किताब खरीद लेता है। जिसके बाद घर जाकर वो देखता है कि उसकी भाभी काफ़ी उदास थी, क्योंकि उनके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। असल में उसकी भाभी ही घर का पूरा खर्चा चलाती थी, लेकिन अब उसके भाई की दवाइयों से लेकर सुकीन की पढ़ाई खर्चा सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए सुकीन नौकरी ढूंढने की सोचने लगता है, लेकिन उसकी भाभी उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहां उसे अपनी जादुई शक्तियों का पहली बार एहसास होता है। असल में वो चीज़ों के आर पार देख सकता था, और तभी उसकी नज़र किताब के अंदर मौजूद उस रॉक स्टैम्प पर पड़ती है, जिस पर वो उस स्टैम्प को लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है, जहाँ वो दोनों टैंगू नाम के एक कलेक्टर के पास उसे लेकर जाते हैं, जो उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही वैसा ही स्टैम्प नीलामी में खरीदा था। इसलिए वो उस स्टैम्प की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो स्टैम्प असली है। एक्सपर्ट की जाँच के बाद टैंगू वो स्टैम्प खरीदने का फैसला करता है, जिसके बाद सुकीन और उसका दोस्त उसे 4 लाख में उसे बेच देते हैं। अपने हाथ में इतने सारे पैसे देख कर सुकीन बहुत खुश होता है। वहीं टैंगू को पता चल गया था कि सुकीन को वो स्टैम्प एक किताब के अंदर मिला था, तो वो सुकीन को एक स्टोन गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट में साथ चलने को कहता है, पर सुकीन इसके लिए साफ मना कर देता है। वहीं उधर हॉस्पिटल में सुकीन की भाभी एक डॉक्टर से बात कर रही होती हैं। असल में सुकीन के भाई के इलाज के लिए 10 लाख रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन पैसे ना होने पर डॉक्टर इलाज के लिए मना कर देता है, पर तभी सुकीन वहाँ पहुँच कर सारे पैसे डॉक्टर को दे देता है, पर अब भी उसमें 6 लाख कम थे, इसलिए वो और पैसों के लिए टैंगू के साथ जाने का फैसला करता है। जिसके बाद वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात चैंग नाम के एक बूढ़े कलाकार से होती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर मार्केट में जाकर एक खास तरह के पत्थर की तलाश करने लगते हैं। वहीं सुकीन अपनी शक्तियों से उसे ढूंढ निकालता है, लेकिन उस दुकान का मालिक सैंजो ये जानने के बाद उसे बेचने से साफ मना कर देता है। उसकी यह बात सुनकर टैंगू को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत ही सैंजो के साथ बहस करने लगता है, जिसके बाद सैंजो इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें एक मुकाबला करने को कहता है। लेकिन जब टैंगू के हाथ पहले ही वो नया पत्थर लग चुका था तो वो दोबारा मुकाबला क्यों करे, पर सुकीन को अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो तुरंत ही इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद होटल जाते हुए उन पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिनसे बचकर वो किसी तरह होटल पहुंच जाते हैं। जिसके अगले दिन सुकीन और लुइन एक साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं, जहां शॉपिंग के दौरान कुछ आदमी आकर सुकीन को किडनैप कर लेते हैं, जो कि उसे वैन से एक जगह ले जाते हैं जहां पहले से ही सैंजो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो चाहता था कि सुकीन होने वाले मुकाबले में उसका साथ दे, जिसके बदले में वो उसे 10 लाख रुपए देगा, पर सुकीन इसके लिए मना कर देता है, जिस पर सैंजो उसे इस मुकाबले से दूर रहने की धमकी देता है। जिसके अगले दिन मैच के दौरान अचानक चैंग के फ़ोन पर एक तस्वीर आती है, जिसमें सुकीन सैंजो से मिल रहा था। चैंग को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने तुरंत वो तस्वीर टैंगू को दिखाई। उन दोनों को लग रहा था कि शायद सुकीन उन्हें धोखा दे रहा है, और जब उन्होंने इस बारे में सुकीन से पूछा तो वो इससे साफ इनकार कर देता है
जिसके बाद सुगीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक पत्थर को चुनकर जजेस को दे देता है। रिजल्ट के समय सैंजो के पत्थर से एक खास तरह का चीट बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही जब सुकीन की बारी आई तो उसके पत्थर से एक बहुत ही ज़्यादा कीमती जेड बाहर निकलता है, जिससे वो इस मैच का विजेता बन जाता है। पर सैंजो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिस पर सैंजो अपने बॉस काइटो से अपनी हार के लिए माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन काइटो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए उसके गुस्से को शांत करने के लिए सैंजो उसे ड्रैगन स्टैम्प लाने का वादा करता है। लेकिन अब सैंजो के पास गलती करने का कोई मौका नहीं था। उधर सुकीन और उसके साथी पत्थर से निकले जेड से बने ब्रेसलेट को नीलामी के लिए ले जाते हैं, जहां उनका ये ब्रेसलेट 80 लाख का बिकता है, जो सुनकर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद टैंगो स्टेज पर जाकर अपनी जेब से दो रॉक स्टैम्प बाहर निकाल कर नकली वाले को फाड़ देता है, जिसका सीधा मतलब ये था कि असली रॉक स्टैम्प अब सिर्फ टैंगो के पास है। जिसके बाद वो लोग अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए क्लब में जाते हैं, जहाँ से कोई टैंगो को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकीन के पास एक फ़ोन आता है जो बताता है कि उन्हें वो असली स्टैम्प चाहिए और वो कोई और ना होकर काइटो होता है। उधर सैंजो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए काइटो के पास पहुंचता है, लेकिन वो सैंजो की गलती से वह अपने नुकसान के लिए बहुत ज़्यादा निराश था। पर काइटो को मनाने के लिए सैंजो उसे राज की बात बताता है। असल में रॉक स्टैम्प के ऊपर एक खजाने का नक्शा बना हुआ था, और एक दूसरे देश का वासी होने की वजह से टैंगो इस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। काइटो को ये प्लान तो बहुत अच्छा लगा, पर उसने शाबाशी देने की जगह उसका कत्ल ही कर दिया। उधर सुकीन और उसके साथी टैंगो को बचाने के लिए काइटो के अड्डे में घुस आते हैं, जहां वो किसी तरह कुछ आदमियों का सामना करते हुए टैंगो के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि टैंगो एक टाइम बम के साथ पिंजरे में बंधा हुआ है, जो कि बहुत जल्द फटने वाला होता है, जिस पर सुकीन अपनी शक्तियों की मदद से उस बॉम्ब को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं बना था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ काइटो भी आ जाता है और वो बंदूक की नोक पर उन सभी को बंदी बना लेता है। अब वो उन सभी की जान के बदले रॉक स्टैम्प देने को कहता है। तभी मौका पाकर लुइन काइटो का ध्यान बटाने के लिए अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालकर उसकी तरफ फेंक देती है, जिसका फ़ायदा उठाकर सुकीन और चैंग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके कुछ दिन बाद सुकीन के सपने में वही आदमी आकर उसे बीते कल को देखने की शक्ति देता है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।